गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी रिवर्स करते हुए। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, ठीक है। और आपको इस चैनल पे सारी टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब ड्राइविंग रिलेटेड मिलती रहती है सारी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मे भी, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको हमेशा वीडियोज मिलती रहे। देखिए एक्चुअली में क्या है, जब भी आप अपनी गाड़ी को बैक करते हैं ना, तो कुछ प्रिकॉशंस आपको मे बी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली प्रिकॉशंस जब आप गाड़ी को बैक करने वाले हों, सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो, ठीक है, अगर आपने गाड़ी स्टार्ट करी है, तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको तुरंत हैंड ब्रेक को रिलीज नहीं करना है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, वो भी आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए इस मोमेंटम में मेरी गाड़ी खड़ी है, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और मैंने ब्रेक हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया, भाई मेरी गाड़ी स्लोप पर खड़ी है, पीछे जाके ठुक जाएगी, हो जाएगा ना ये। तो इसलिए आपको मैंने इसलिए बोला कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद तुरंत आपको हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करना। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको लेग ब्रेक को ऐसे दबा देना है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद। लेग ब्रेक दबाने के बाद आपको हैंड ब्रेक रिलीज करना है। देखो रिलीज किया, मेरी गाड़ी रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है, क्योंकि मैंने जो है अभी यहाँ पे फुट ब्रेक लगाया हुआ है। अगर मैं फुट ब्रेक छोड़ दूं, भाई ये देखो जा रही है, भाई अगर ये मैंने ब्रेक ना लगाया होता तो क्या होता, पीछे चली जाती, और पीछे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट होता तो दिक्कत होती, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं जो कि मतलब आपको दिक्कत आ सकती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब जब आप बैक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना गाड़ी का रिवर्स गियर डालना है, ठीक है, रिवर्स गियर डालना है। चलो मैं यहाँ पे गाड़ी को ऑन कर देता हूँ, पहले मेरा गाड़ी का रिवर्स गियर हो गया, ठीक है, और देखो पीछे का पूरा व्यू दिख रहा है, ठीक है। अब पहले सेंसर्स की आपको सेंसिटिविटी चेक करनी है, मतलब कोई इंडिकेट तो नहीं कर रहा, अभी देखो कोई इंडिकेशन नहीं है, मतलब मेरा पीछे क्लियर है तो हम गाड़ी को पीछे ले सकते हैं। अगर गाड़ी में कुछ बीप बीप की साउंड आती है तो आपको गाड़ी पीछे नहीं लेनी है, ठीक है। अगर गाड़ी बीप बीप का साउंड होगा और आपने पीछे ले लिया और बीप बीप की साउंड है तो फिर तो पता है ना क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और सबसे मेन चीज IRBM, लेफ्ट वाला राइट वाला, ठीक है, इसको मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ, ये वाला, वो वाला और IRBM में तो मान लो चलो उतना नहीं दिखाई देगा, बट ये लेफ्ट साइड का और राइट साइड का ये आपको जरूर से देख लेना, तभी अपनी गाड़ी को बैक करना। चलो हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम सीट को एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग और गाड़ी को हम बैक कर लेते फिर। चलो ठीक है, करा ब्रेक, दबाया ब्रेक, दबाया मेरा हैंड ब्रेक छोड़ा, बैक किया, ठीक है, बैक लग गया, कोई इंडिकेशन नहीं, हमारा फ्रेश है। तो अब जो है धीरे धीरे एक्सीलेट किया, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, एक्सीलेट किया, ये देखो गाड़ी बैक जाने लगी। और उधर भी देखना है और इधर भी देखना है, ठीक है, मतलब दोनों तरफ आपको देखना है, तभी जो है आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताया, ये आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है अगर आप रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी को, तो इसका मैंने कुछ यहाँ पे टिप्स बताया आपको, इन चीज़ों को जरूर से याद रखना है, ठीक है। और मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, बैक किया, ठीक है, और ये घुमाया हमने गाड़ी को, ठीक है, ये देखो जा रहा पीछे। IRBM चेक करते रहो, अपना ORBM चेक करते रहो, ठीक है, ये देख सकते हैं, और गाड़ी को बैक लेते रहो, पीछे भी देखते रहो, अगर आपका कैमरा है तब तो ठीक है, नहीं कैमरा है तो आपको बराबर दिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो धीरे धीरे हुआ, ये धीरे हुआ, अब यहाँ से जो है इस तरीके से और अपनी गाड़ी को आप आगे ले सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों ये चीज़ें हैं जो कि मैंने टिप्स बताई आपको इस वीडियो के थ्रू, और होपली इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके की टेक रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।